उसकी बुद्धि स्वतः ही पशु जैसी हो जाएगी, सोच विचार उसका चिंतन स्वतः ही पशु जैसा हो जाएगा। फिर जिस शराब के नशे में माँ बहन बेटी की पहचान खत्म हो जाए, उस शराब को पी करके यह कैसे पता चलेगा कि क्या अच्छा और क्या बुरा है। यही कारण है कि आज घर समाज में, देश और दुनिया में, आपके मुल्कों में ये रगड़े और झगड़े फैले हुए। अगर सभी मानव जाति के लोग, सभी कौम कौमियत, सभी मजहब वाले लोग हमारे गुरु महाराज परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के उन वचनों पर अमल करें और सभी लोग शाकाहारी हो जाएं, तो देश और दुनिया में अमन चैन आ जाएगा, घर परिवार में सुख शांति आ जाएगी, उस मालिक की दया दुआ बरकत मिल जाएगी। देखिए हमारे गुरु महाराज परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए, चरित्र उत्थान के लिए, शाकाहारी सदाचारी बनाने के लिए 116 वर्ष की आयु तक अथक परिश्रम किया। उसे परिश्रम का ये परिणाम है या जन जन के जुबान पर ये नारा गूंजता है कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है शाकाहारी रहना है। हम समस्त मानव जाति, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, सभी से प्रार्थना करेंगे कि आप सभी लोग शाकाहारी हो जाएं। अरे आप इंसान हो, इंसान का काम है रहम करने का। अरे भाई आप जीवात्माओं पर रहम करो, आप रूहों पर रहम करो। किसी धर्म में, किसी मजहब में नहीं लिखा कि बेगुनाह जीवों पर अत्याचार करो। हर धर्म हर मजहब कहता कि भाई जीवात्माओं पर रहम करो, रूहों पर रहम करो। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि अगर हमने किसी को बनाया नहीं तो मिटाने का अधिकार हमारे पास नहीं। और तिल भर मच्छी खाई के कोटि गऊ दे दाम, और काशी करवट जा मरे निश्चय नर्क निदान। यदि तिल भर भी मच्छी खा करके फिर चाहे कोटान कोट गऊओं का दान करो, और काशी में जा करके मत्था रगड़ते रगड़ते अपनी जीवन लीला को वही बिता दो, फिर भी तुमको तुम्हारे गुनाहों की सजा मिलेगी, कोई बच नहीं सकता। क्योंकि एक कर्म भूमि है, यहाँ जो जैसा सुबह 3 बजे से 6 बजे तक, 4 बजे से 6 बजे तक उस समय आप भजन किया करो, शब्द आपको साफ सुनाई पड़ेगा। नित्य नियम से भजन ध्यान स्मरण करिएगा, नागा नहीं होना चाहिए। शरीर को आप लोग भोजन देते हो, सुबह दोपहर शाम खाते रहते, लेकिन कभी आपने विचार नहीं किया ये जीवात्मा जो जन्म जन्मांतरों से भूखी प्यासी बैठी, कभी आपने इसको भोजन नहीं दिया। अरे इसका भोजन शब्द है, इसका भोजन नाम है। अपना ये नियम बना लो कि पहले हम अपनी जीवात्मा को भोजन देंगे, फिर अपने शरीर को भोजन देंगे। अगर ये नियम आपने बना लिया तो आपका लोक भी बन जाएगा और परलोक भी बन जाएगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, भजन ध्यान सुमरन बराबर आप लोग करते रहिएगा। घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं है, बाल बच्चों को छोड़ने की जरूरत नहीं है, समाज छोड़ने की जरूरत नहीं है, जात और बिरादरी बदलने की जरूरत नहीं है, साधु संन्यासी बाबा बनने की जरूरत नहीं है। अरे भाई अपने अपने घर परिवार में रहिएगा, बाल बच्चों के साथ रहिए, मेहनत ईमानदारी से काम करिएगा और 24 घंटे में घंटा दो घंटा अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए सुरत शब्द नाम की कमाई यानी सुमरण ध्यान भजन करिएगा। ये जीवन की सच्ची दौलत है, यही दौलत तुम्हारे साथ जाएगी, बाकी सब रगड़ा झगड़ा ये सब आपका यही पड़ा रह जाएगा। सुई की एक नौ भी तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, इसलिए वो दौलत कमा लो जो अंत समय में तुम्हारे काम आवे। भजन ध्यान सुमरन बराबर आप लोग करते रहना और सभी लोग शाकाहारी रहिएगा, क्योंकि हमारे गुरु महाराज ने शाकाहार पर विशेष जोर दिया। गुरु महाराज बराबर कहते थे, यह बच्चा तुम शाकाहारी रहना, शाकाहार का प्रचार करते रहना,
इसी से देश और दुनिया में भारी परिवर्तन होगा। अरे नन्नारियों, परिवर्तन कोई कानून बनाने से नहीं होता, परिवर्तन कोई आंदोलन करने से नहीं होता, परिवर्तन कोई तोड़फोड़ करने से नहीं होता। अरे परिवर्तन तब होता है जब लोगों के विचार बदलते, लोगों की भावनाएं बदलती। और विचार जब बदलेंगे, जब लोगों का खान पान शुद्ध होगा। देशी कहावत है, जैसा कायम और वैसा होए मन। जब इंसान पशुपति भोजन करेगा तो उसकी बुद्धि स्वतः ही पशुओं जैसी हो जाएगी। सोच विचार उसका चिंतन स्वतः ही पशुओं जैसा हो जाएगा। फिर जिस शराब के नशे में माँ बहन बेटी की पहचान खत्म हो जाए, उस शराब को पी करके यह कैसे पता चलेगा कि क्या अच्छा और क्या बुरा है। यही कारण है कि आज घर समाज में, देश और दुनिया में, आपके मुल्कों में ये रगड़े और झगड़े फैले हुए। अगर सभी मानव जाति के लोग, सभी कौम कौमियत, सभी मजहब वाले लोग हमारे गुरु महाराज परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के उन वचनों पर अमल करें और सभी लोग शाकाहारी हो जाएं, तो देश और दुनिया में अमन चैन आ जाएगा, घर परिवार में सुख शांति आ जाएगी, उस मालिक की दया दुआ बरकत मिल जाएगी। देखिए हमारे गुरु महाराज परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए, चरित्र उत्थान के लिए, शाकाहारी सदाचारी बनाने के लिए 116 वर्ष की आयु तक अथक परिश्रम किया। उसे परिश्रम का ये परिणाम है या जन जन के जुबान पर ये नारा गूंजता है कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है शाकाहारी रहना है। हम समस्त मानव जाति, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, सभी से प्रार्थना करेंगे कि आप सभी लोग शाकाहारी हो जाएं। अरे आप इंसान हो, इंसान का काम है रहम करने का। अरे भाई आप जीवात्माओं पर रहम करो, आप रूहों पर रहम करो। किसी धर्म में, किसी मजहब में नहीं लिखा कि बेगुनाह जीवों पर अत्याचार करो। हर धर्म हर मजहब कहता कि भाई जीवात्माओं पर रहम करो, रूहों पर रहम करो। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि अगर हमने किसी को बनाया नहीं तो मिटाने का अधिकार हमारे पास नहीं। अरे तिल भर मच्छी खाई के कोटि गऊ दे दान, और काशी करोड़ जा मरे निश्चय नर्क निदान। यदि तिल भर में मच्छी खा करके फिर चाहे कोटान कोट गऊओं का दान करो, और काशी में जा करके मत्था रगड़ते रगड़ते अपनी जीवन लीला को वही बिता दो, फिर भी तुमको तुम्हारे गुनाहों की सजा मिलेगी, कोई बच नहीं सकता। क्योंकि एक कर्म भूमि है, यहाँ जो जैसा करेगा कर्म प्रधान विश्व रचना का, जो जस करे सो तस परचा का। ये कर्मों का ऐसा देश है, यहाँ जैसे बीज बोगे वैसी ही फसल काटोगे। देखिए हमारे गुरु महाराज ने अपने गुरु की याद में मथुरा आश्रम पर इतना विशाल मंदिर बनवाया। गुरु महाराज बराबर कहते थे, ये बच्चा मंदिर का जीता जागता देवता वहां बैठकर बरकत बांट रहा, अरे आप लोग आइए, वहां कोई रुपया पैसा नहीं चढ़ा जाता, कोई चंदा चुक्की नहीं चढ़ाई जाती। अरे आप लोग आए मंदिर के देवता के सामने, अपनी एक बुराई को चढ़ा दीजिए, वहां बुराई चढ़ाई जाती कि हम आपसे मांस मछली नहीं खाएंगे, हम आपसे अंडा शराब का सेवन नहीं करेंगे, हम आपसे झूठ नहीं बोलेंगे, हम आपसे किसी को धोखा नहीं देंगे। अरे आप अपनी एक बुराई चढ़ा दो, आपकी एक मनोकामना पूरी होगी। ऐसा वरदानी मंदिर गुरु महाराज ने अपने गुरु की याद में मथुरा आश्रम पर बनवाया। प्रेमी भाई बहनों, हमारी आपसे यही प्रार्थना है कि आप सभी लोग शाकाहारी रहिएगा, और शाकाहार बनने के लिए आप सभी लोग औरों को भी समाज में प्रेरित करते रहना। एक अच्छे समाज का निर्माण तभी हो सकता जब लोग सभी लोग शाकाहारी हो जाएंगे।
शराब जैसे मादक पदार्थों का लोग त्याग कर देंगे, अच्छे विचार समाज में पैदा हो जाएंगे और एक अच्छे समाज का निर्माण हो जाएगा। तो आपसे हमारी प्रार्थना कि आप सभी लोग शाकाहारी रहिएगा और भजन ध्यान सुमरन आप लोग बराबर करते रहना। तो देखो प्रेमी भाई बहनों, ये दूरदर्शी आवाज नामक पत्रिका, इसका प्रकाशन मथुरा से होता है। जो प्रेमी भाई बहन दूरदर्शी के सदस्य बन जाएंगे, उनको हर महीने गुरु महाराज की वचनवाणियां घर घर तक ये पत्रिका पहुंचेगी। तो आप लोग प्रयास करिएगा दूरदर्शी का सदस्य बनने का प्रयास, आप लोग इसकी रसीद कटवा लीजिएगा। और जो नए प्रेमी भाई बहन यहाँ पर आए हुए, आप लोग जो संस्था से जुड़ना चाहते नामदानी सेवादानी की रसीद आप लोग कटवा लीजिएगा। आप लोग अपना नाम पता गांव मोबाइल नंबर लिखवा दीजिएगा ताकि दोबारा आपसे संपर्क हो सके। और जितने हमारे नौजवान भाई हैं उनसे भी हमारी प्रार्थना है, जय गुरुदेव युवा संगठन ये तैयार हो रहा, तो आप जितने नौजवान भाई एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए जय गुरुदेव युवा संगठन के साथ जुड़िएगा। आगे चल करके आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान एक अच्छे समाज के निर्माण कार्य में होगा। तो आप सभी लोग इस संस्था के साथ जुड़िएगा और भजन ध्यान सुमरन बराबर करते रहना। अभी ये होली का कार्यक्रम 9, 10 और 11 मार्च को मथुरा आश्रम पर मनाया जाएगा। तारीख आप लोग याद रखिएगा, 9, 10 और 11 मार्च ये होली का कार्यक्रम होगा। तो आप सभी प्रेमी भाई बहन इस होली के अवसर पर मथुरा आश्रम पर सपरिवार सादर आमंत्रित है, आप लोग अवश्य ही पधारिएगा और अपने अपने बच्चों को भी साथ में लेकर के आया करिए। सबसे बड़ी गलती आप लोग यही करते, अकेले अकेले चल पड़ते हो कि चलो हम सत्संग सुनेंगे, हम कथा सुनेंगे चल करके। इन बच्चों की पढ़ाई लिखाई का समय है, इनके पढ़ाई लिखाई की उम्र है, चलो इनको पढ़ने लिखने दो, हमारी उम्र हो गई, हम सत्संग सुनेंगे चलकर। ये सबसे बड़ी गलती, अरे पढ़ाई लिखाई जरूरी है, हम ये बात मानते हैं कि आज के समय में शिक्षा बहुत जरूरी है, लेकिन शिक्षा के साथ साथ अच्छे संस्कार भी जरूरी है। और संस्कार कोई एमए बीए की डिग्री करने से नहीं पढ़ते, संस्कार कोई डिप्लोमा करने से नहीं पढ़ते। अगर एमए बीए की डिग्री करने से बच्चों के अंदर संस्कार पड़ जाते तो हिंदुस्तान में इतने विद्या आश्रम खोलने की जरूरत न पड़ती। अरे संस्कार पढ़ेंगे महात्माओं के वचनों से, संस्कार पढ़ेंगे सत्संग के माध्यम से, ये बच्चे देश के भविष्य हैं। एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार डालना ये समय की बहुत बड़ी मांग है। इसलिए अपने अपने बच्चों को बराबर मथुरा दरबार में लाते ले जाते रहना, बराबर लाते ले जाते रहिएगा। जय गुरुदेव युवा संगठन के साथ जोड़ दीजिएगा। और जब घर में तुम्हारे बच्चे हो, गुरु महाराज की कोई पुस्तक इनको दे दो, लो बच्चा गुरु महाराज की वचनवाणियां हमको सुनाओ, अरे छोटी सी प्रार्थना हमको सुनाओ, अरे चलो तुम भजन ध्यान स्मरण पर बैठ जाओ। अरे बच्चे धीरे धीरे करने लगेंगे गुरु महाराज की वचनवाणियों को सुनने और समझने लग जाएंगे, मथुरा दरबार में आने जाने लग जाएंगे, अरे इनका भी लोक परलोक बन जाएगा और आपका बुढ़ापा सुख में व्यतीत हो जाएगा। इसलिए नारियों अपने अपने बच्चों के साथ, इष्ट मिष्ट परिवार वालों के साथ, आप सभी प्रेमी भाई बहन इस होली के अवसर पर सपरिवार सादर आमंत्रित है।